में जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बारे में खबर बाहर आई थी तब पूरे देश का दिल दहल गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कई शेल्टर होम्स में जहां पर बच्चियों को या बच्चों को रखा जाता है वहां पर उन्हीं बच्चों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार और मारपीट की खबर सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था इस मैटर का और बिहार सरकार से कहा गया था कि आप ढंग से मॉनिटरिंग भी करें और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन बिहार सरकार ने सौंप दी थी। आप 4 साल बाद ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका के अंतर्गत आया है। निवेदिता झा जो ओरिजिनली पेटिशनर थी, जिन्होंने 2018 में भी ये याचिका लगाई थी कि बिहार में शेल्टर होम्स में क्या हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसकी इंक्वायरी हो, अब 4 साल बाद निवेदिता झा दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है ये कहते हुए कि 4 साल में भी सीबीआई ने जो इंक्वायरी की और अफसरों के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन दी गई थी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। याद रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी तो ये साफ आया था कि कम से कम 17 शेल्टर होम्स में बच्चों के साथ मारपीट, दुष्कर्म, बलात्कार तक किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का जो शेल्टर होम था उसकी कहानी सुनकर तो पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि 34 बच्चियों के साथ कई महीनों तक नशे की दवाई खिलाकर बलात्कार की खबर सामने आई थी और उस केस में 19 लोगों को सजा भी हुई है, जिसमें से 10 को उम्र कैद की सजा दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनाई थी। लेकिन उस कांड के बाद जब सीबीआई ने इंक्वायरी के बाद रिकमेंडेशन दी थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और बाकी आला अफसर हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए, तो वो एक्शन लिया गया या नहीं उसके बारे में आज तक भी कोई खबर ठोस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की पीठ से जब ये मामला सामने आया तब बिहार सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। याद रखिएगा, सीबीआई इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और 37 बाकी आला अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी ऑर्डर होनी थी, क्योंकि उन अधिकारियों ने जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस और जुवेनाइल जस्टिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, जिनका काम ये था कि वो लगातार मॉनिटरिंग करें, लगातार निगरानी रखें कि इन बच्चों को जो कि सरकारी या एनजीओ के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम्स में हैं उन बच्चों का ढंग से ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, उन लोगों ने अपना काम नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों के साथ इस तरह के दुष्कर्म और मारपीट हुई। अब उन ऑफिसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जल्द मांगी है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से जो वकील आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सभी ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कुछ के तबादले भी हुए हैं और कुछ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है। लेकिन कोर्ट ने अब पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और ये निवेदिता झा की तरफ से पेश हुए वकील ने साफ कहा है कि अभी दोबारा फरवरी में, क्योंकि पटना में एक ऐसा ही कांड सामने आया है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि 2018 के हॉरर के बाद, 2018 में जिस तरह से रिपोर्ट आई उसके बाद भी बिहार सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इस बात की सुनवाई अब 2 हफ्ता बाद होगी।